परी का जादुई लहंगा और चूड़ियां। बहार अपने नाम की तरह ही बहुत ही चंचल और खुश मिजाज लड़की थी। जहां भी जाती सबका दिल जीत लेती। सब बहार को बहुत ही प्यार करते थे। कैसी हो काकी? देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ठीक हूँ बिटिया। क्या लाई है? जरूर खजूर लाई होगी। तो सबका कितना अच्छे से ध्यान रखती है। भगवान तुझे खूब सारी खुशियाँ दे। काकी, काका नजर नहीं आ रहे हैं। तेरे काका खेत गए हैं। आजा खाना खा ले। फिर कभी काकी, आज थोड़ा जल्दी में हूँ, हवेली पर जा रही हूँ, मालकिन के कपड़े सिल गए, वही देने जा रही हूँ। इतना बोलकर बहार हवेली पर जाती है। अरे वाह बहार, तूने तो बहुत ही अच्छा सूट सिला है। पूरे गांव में मुझे तो बस तेरे ही हाथ का सिला सूट पसंद आता है, वरना तो कोई गला खराब कर देता है तो कोई कुछ। सब आप सबका आशीर्वाद है मालकिन। अच्छा अब मुझे इजाज़त दे। कितनी बार तुझसे कहा है मुझे मालकिन मत बोला कर। अरे तो मेरी बेटी जैसी है, माँ बोला कर मुझे। माँ आप वाकई बहुत अच्छी हैं। इस अनाथ को माँ का प्यार देकर आपने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी। खबरदार जो फिर से खुद को अनाथ कहा तो। तुझे तो हमने कितनी बार कहा है हमारे साथ हमारी हवेली में रह ले, लेकिन तू है कि मानती नहीं। अच्छा चल, कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक मुझे बताना। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। बहार बेटा, जाते जाते ये चिट्ठी जरा डाक घर में पोस्ट कर देना, और ये राशन का कुछ सामान है ये सब भी लेती जा। गुड्डी के पापा आते हैं तो मैं उनसे बोलकर तेरे घर की भी मरम्मत जल्द ही करवा देती हूँ, बरसात भी आने वाली है। धन्यवाद माँ, अब मैं चलती हूँ। अरे बिटिया तू यहीं आ गई, मैं तेरे घर ही आ रहा था। डाक काका, राघव की चिट्ठी आई है ना, आपने पहले क्यों नहीं बताया? काका जल्दी दो। देता हूँ यह ले। राघव बहार का बचपन का दोस्त था। बहार राघव से प्यार करती थी। चिट्ठी पढ़ने के बाद बहार खुशी से झूमते हुए बोलती है, काका काका आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है काका, राघव आ रहा है। अरे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे तो बहुत सारी तैयारी करनी है। आखिर इतने सालों बाद राघव आ रहा है, चलती हूँ काका। अरे संभाल के, भगवान इस बच्ची की खुशियों को किसी का नजर ना लगे। दो दिनों के बाद बहार हवेली पर जाती है। अरे बहार, अच्छा हुआ तू आ गई। देखना कितने सारे काम पड़े हैं। इस घर में कोई मेरी बात ढंग से सुनता ही नहीं। बहार तू जरा रसोई में जाकर देख ले, कुछ कमी तो नहीं है ना? माँ इतनी सारी तैयारी राघव के आने की खुशी में हो रही है। आज तो बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है। आज मेरा बेटा राघव आ रहा है, और आज ही राघव की शादी सूर्य प्रताप की बेटी नंदिता के साथ तय होने जा रही है। ये सुनती ही बहार के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ और क्या नहीं हो सकता? माँ क्या राघव तैयार है शादी के लिए? अरे वो मेरा बेटा है, मुझे उसके बिना कहे ही सब पता चल जाता है। और देखना उसे मेरे इस फैसले से कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि वो खुशी से झूम उठेगा। अब चल जल्दी जल्दी तैयारी कर। ये सुनकर बहार का दिल बैठ जाता है, और वो सारा काम खत्म करके मेहमानों के आने से पहले ही तबीयत खराब होने का बहाना करके अपने घर आ जाती है। भगवान हर बार ही मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आपको तो पता है मैं राघव से कितना प्यार करती हूँ। अगर आज ये रिश्ता हो गया फिर तो हम कभी एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। बहार रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है, बहार बहार दरवाजा खोलो। राघव? वो दरवाजा खोलती है। कमाल है, मैं इतने दिनों बाद शहर से लौटा हूँ और तुम हो कि यहाँ आराम से सो रही हो। मिलने क्यों नहीं आई? हवेली में सब लोग आए थे, बस तुम्हारी ही कमी थी। वो मेरी तबीयत खराब थी राघव, इसलिए। और बताओ शादी मुबारक हो राघव। अरे पगली कैसी शादी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा। मैंने माँ से भी साफ साफ कह दिया है, कहीं तुम इसी वजह से तो नहीं दुखी होकर घर में बैठी हो। आई लव यू राघव,
मुझे तो लगा तुम भी मुझे भूल चुके हो, पर मैंने तो तुम्हें पाने की आस ही छोड़ दी थी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, अब चलो घूमने चलते हैं। और फिर दोनों एक साथ पूरे गांव, जंगलों, नदियों, हर जगह की सैर करते हैं। ये बात जब मालकिन को पता चलती है तब वो बाहर के घर आती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। बहुत अच्छा चाल चली हो बाहर, हमने तुम्हें जहाँ इतना प्यार दिया वहाँ तुमने हमसे हमारे ही बेटे को छीन लिया। अरे गरीब नीच, तूने मेरे भरोसे को तोड़ा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तुझ जैसी अनाथ और नीच जाति के लोगों से हमदर्दी रख सकती हूँ, उसे अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। अरे तेरी हैसियत ही क्या है जो हमारे बराबरी करने चली है। माँ आपको कोई गलत फहमी हुई है। माँ नहीं मालकिन, तू सिर्फ एक नौकरानी है। अरे नौकर भी वफादार होते हैं, तू तो नागिन है नागिन। मैं किसी अनाथ और गरीब को अपने घर की बहू कभी नहीं बनने दे सकती। मेरे जीते जी तो मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। चल दफा हो जा, अगर अपनी भलाई चाहती है तो आज के आज निकल जा इस गांव से और कभी लौटकर मत आना। तुझे पैसे चाहिए ना, ये ले, कितने चाहिए और ले, अब दफा हो जा। इतना बोलकर मालकिन वहाँ से चली जाती है और इधर बाहर को बहुत ही बुरा लगता है। तूने वाकई गलत किया है बाहर, तुझे एक माँ को ऐसा नहीं सताना चाहिए। तू बहुत बुरी है बाहर, बहुत बुरी, तुझे जीने का कोई हक नहीं। हाँ मुझे जीने का कोई हक नहीं है। बाहर ये सोचकर नदी की तरफ चल देती है और नदी में कूदने लगती है। तभी उधर से खुशी परी गुजर रही होती है। रुक जाओ प्यारी लड़की, इस तरह जान गंवाने का किसी को हक नहीं है। जिंदगी तो भगवान का दिया कीमती तोहफा है और उसे खत्म करना मतलब भगवान की अवहेलना करना है। बताओ आखिर वजह क्या है। फिर बाहर परी को सारी बातें बताती है। आप ही बताओ परी जी, मैं क्या करूं? मैं राघव के बिना नहीं जी सकती। राघव की माँ को बस इस बात से तकलीफ है कि तुम गरीब हो। आखिर हमारे पृथ्वी पर से चले जाने के बाद क्या हाल बना दिया है लोगों ने खूबसूरत धरती का। हमने कितनी मेहनत से इसे अपने प्यार और खूबसूरती से सींचा था। कुछ घटिया लोगों की सोच ही समाज में ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, जाति के नाम पर लोगों को बांट कर रखते हैं। तुम चिंता मत करो, ये लो ये जादुई फ्रॉक है और ये जादुई चूड़ी है। फ्रॉक को पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी। और ये चूड़ी, इस चूड़ी की खन खनाहट सभी के दिलों से ये भेदभाव को दूर करेगी। अब तुम जाओ। बाहर उस फ्रॉक और चूड़ी को लेकर खुशी खुशी अपने घर आकर उसे पहन लेती है और हवेली पर जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? तभी बाहर अपनी चूड़ी खन खनाती है और मालकिन के मन में जो गुस्सा था बाहर को लेकर वो खत्म हो जाता है। अरे बाहर बेटा, आज कितनी खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल परी की तरह, आओ मेरे पास बैठो। और फिर कुछ ही दिनों में बाहर और राघव की शादी हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।